हमारे साथ 300 योगी जुड़े हुए हैं और ये वो दिख रहा है तालाब कैलाश चोर, वहाँ जाने वाले हैं। यानी कि 250 मीटर का दौर है और ये तीनों भाई जी यहाँ से चालू करेंगे तालाब के शुरू से आरंभ से और 250 मीटर रन करके आने वाले हैं। सर आप लोग का टाइम चालू हो गया है, जाइए देखिए कौन पहले आता है। स्टार्ट देखिए, ये तीनों आदमी स्टार्ट कर दिए हैं जाना और तालाब के उस छोर पे जाने वाले हैं। दिखा देते हैं आपको पहले उस छोर, देख सकते हैं वो तो वीडियो में बने रहे जब तक ये लोग तालाब पार करके नहीं आते हैं। वीडियो में ये देखना है कि तालाब के उस पार ये लोग पहुंच पाते हैं या नहीं और रिटर्न आ पाते हैं नहीं, पूरी वीडियो में पता चल पाया कि आए हैं या नहीं। देख सकते हैं वो लोग तीनों आदमी जा रहे हैं तालाब के उस पार जाएंगे और उस पार से ही आने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए दिल थाम के। आपको पता चलेगा, अनुभव होगा कि वो लोग थक कितना जाते हैं। देखिए वेट लॉस का सबसे बड़ा एक एक्सरसाइज बताया जाए तो ये स्विमिंग है, जिसके जरिए यदि आप एक्सरसाइज करते हैं और स्विमिंग करते हैं अधिक से अधिक तो आपका वेट लॉस सबसे अधिक होगा। देखिए आप उन लोगों का, वो लोग दिख नहीं पा रहे हैं, देखिए तीनों आदमी दिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत दूर चल गए हैं तालाब से, तालाब में, और उस छोर में जाने में 250 मीटर का दौर है। मैं 250 से 250 मीटर आधा किलोमीटर का ये तालाब है, दो टाइम में पूरेगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। देख सकते हो लोग तीन आदमी हैं लेकिन दिख कम रहे हैं, बट दिखेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, वो तीनों आदमी जा ही रहे हैं अभी। अभी तालाब के किनारे पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं उस छोर पे। कृपया करके आप लोग से अनुरोध है, विनती है, निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और वो लोग आके अपना क्या रिस्पांस देते हैं, उन लोगों को जाके आने में कैसा महसूस हुआ वो बताने वाले। अभी 3 मिनट कुछ सेकंड हो चुका है और अभी तालाब के लास्ट में बहुत तेज़ी से स्विमिंग होना आरंभ हो गया है, यानी कि लास्ट छोर पे पहुंचने वाले हैं वो लोग। और एक आदमी तालाब के किनारे पहुंच गए, ऊपर चढ़ रहे हैं, देख रहा होगा आपको। देखिए एक आदमी ऊपर चढ़ गए हैं और दूसरा आदमी चढ़ने वाला है। दोनों जो तीन आदमी थे दोनों आदमी साथ ही में चढ़ने वाले हैं, साथ में चढ़ रहे हैं। मेरा अनुभव सही हुआ, हमको क्लियरली दिख रहा है और कैमरा में भी आपको भी दिख रहा होगा। और कुछ देर वहाँ आराम करने के बाद वो लोग फिर से आरंभ कर देंगे। हो गए हैं, वहाँ पहुँच गए हैं और तालाब के दांती पर बैठे हुए हैं लेकिन अब तैरने के लिए शुरू करने वाले हैं। कुछ देर हो चुका है, वो लोग पहुँचे हुए वहाँ और देख सकते हैं वहाँ तीन आदमी हुए, वही चालू करने वाले हैं वो लोग, फिर से चालू करेंगे वहाँ से।
तीनों आदमी पानी में जंप कर गए और वहाँ से आरंभ कर दिए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आपको क्लियरली दिख रहा होगा तीनों आदमी वहाँ से आरंभ कर दिए, चलना आरंभ कर दिए हैं। तीन आदमी का मुंडी केवल दिख रहा है अभी नज़दीक। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर दिखेगा। और ये अब बगल में हर कीर्तन हो रहा है इसलिए इसका आवाज़ आ रहा है, तो इसका भी आनंद लीजिए। देखिए तीन आदमी, तीन मुंडी दिख रहा होगा आपको, और कुछ नहीं दिखेगा, केवल तीन मुंडी ही दिखेगा। जैसे जैसे वो लोग नज़दीक आएंगे आपको क्लियर दिखने लगेगा कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी केवल तीन मुंडी ही दिख रहा है। देख सकते हैं आपको अब क्लियर दिख रहा होगा तीन आदमी, जो अब तीन आदमी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। उस थोड़ी देर पहले नहीं दिख रहा था क्योंकि वो लोग बहुत दूर थे, अब थोड़े नज़दीक आ गए हैं तो तीन आदमी दिख रहे हैं। एक आदमी सबसे आगे है, दूसरे आदमी दो नंबर पर और तीसरा आदमी थोड़ा सा पीछे, मतलब कि लास्ट दो आदमी थोड़े दूर ही आगे पीछे हैं, लेकिन पहला आदमी जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे हैं, मतलब कि नदी का बहाव देख सकते हैं कितना तगड़ा है। और ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं। ऐसा गलती आप कभी मत कीजिएगा, तालाब पार करने का प्रयास मत कीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत दिन से तैराकी कर रहे हैं, इनको लोगों को अच्छे से तैरने आता है। यदि ये लोग 10 घंटा पानी के भीतर अथवा पानी में भी रह जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, लेकिन यदि आप ऐसा कदम उठाइएगा तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए तीन आदमी हैं, तीनों आदमी आ चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, क्योंकि हम भी एक दिन तालाब पार किए थे, बहुत थक चुके थे। और ये आएंगे तो इनका इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। उस पार से आगे सर कैसा लग रहा है आपको? हाँ बहुत थक गए क्या? कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है क्या? चार पाँच छः दिन में अभी आपको महसूस हो रहा है सिक्स पैक बन गया, चार पाँच दिन में सच में सिक्स पैक बन जाएगा क्या? चार पाँच बार पार कर जाएगा तो क्या लग रहा है आपको? थक गए आप लोग? थक गए क्या? हाँ। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा नहीं तो थक गए हैं। देख सकते हैं पानी में पसीना कैसे निकलता है। ये देखिए ये भी भाई जी गए थे, ये ऊपर आके आराम कर रहे हैं, ये लोग पानी में ही हैं। तो हेल्थ के लिए आप स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग के जरिए आप स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं स्विमिंग करने से। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।